नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जाइंट लार्सन एंड टर्बो, जिसको कि LNT के नाम से भी जानते हैं, उसने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है इंडियन आर्मी की ओर से। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी के लिए नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम के अंडर आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक एडवांस्ड IT इनेबल्ड सिस्टम सेटअप करने को लेकर है। तो आइए आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, लार्सन एंड टर्बो ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है इंडियन आर्मी के लिए एडवांस्ड IT इनेबल्ड सिस्टम सेटअप करने के लिए। हालांकि LNT ने इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं मेंशन की है, लेकिन उन्होंने इसे लार्ज ऑर्डर्स की कैटेगरी में रखा है। अब लार्सन एंड टर्बो की लार्ज ऑर्डर कैटेगरी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट कम से कम 2500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ के बीच की वैल्यू का हो है, ऐसा कंपनी के एक्सपर्ट्स का कहना है। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया है कि NFS के अंडर देश भर के आर्म्ड फोर्सेस नेटवर्क को सपोर्ट और मैनेज करने के लिए एक यूनिफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने को लेकर ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी ने प्रपोज किया था और इसके लिए बिडिंग हुई थी। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में जाने तो इसमें NFS के अंडर जो 7 लेयर्स हैं उनका आपस में और देश भर में मौजूद 414 डिफेंस स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क क्रिएट करा जाना है। यानी कि पूरे NFS को एक सिस्टम के अंदर देश भर में कंट्रोल किया जा सकेगा, ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इस सिस्टम को या तो रेजिलिएंट क्लाउड बेस्ड IT इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस IaaS, इन दोनों में से किसी एक मॉडल पे डेवलप करना होगा। इसके अंदर इंडिया की IT इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा स्कोप देखा जा रहा है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर बेस्ड यूनिफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम्स तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि इंडियन आर्मी के लिए या फिर NSF के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है। तो आप जान सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होने वाला है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में 8 नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स, जिनको कि NOCs कहते हैं, जिसमें नेशनल NOCs भी होंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट NOCs होंगे, रीजनल NOCs, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स, Tier 3 के डेटा सेंटर्स और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाना है। इस प्रोजेक्ट में जो फैसिलिटीज़ हैं वो इंडियन आर्मी की IT नेटवर्क बैकबोन को एक रियल टाइम मॉनिटरिंग में करने में हेल्प देगी, एक कंप्लीट विजिबिलिटी इसके साथ देगी डिप्लॉय किए गए नेटवर्क एसेट्स की, जिससे कि ऑप्टिमल विजुअलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इंडियन आर्मी के लिए पॉसिबल हो पाएगा। दोस्तों, ये रेस्क्यू ऑपरेशन में भी प्रोजेक्ट काम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो NSF है, हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको एक सिस्टम से कंट्रोल किया जा सकेगा। यानी कि मैनेजमेंट इससे बहुत ही बेहतर होने वाला है। आप जान लें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के NOCs भी इससे जुड़ने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी डिज़ास्टर यानी कि किसी भी आपदा के समय जो मैनेजमेंट कमेटी बनेगी वो भी इससे जुड़ेगी। तो इस प्रोजेक्ट काम 18 महीने के अंदर पूरा किया जाना है, जिसमें लार्सन एंड टर्बो को 3 साल की वारंटी और 7 साल के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट AMC को साइन करना होगा, जिसके चलते LNT मैनेज्ड मेंटेनेंस है सर्विस प्रोवाइडेड करेगी। दोस्तों, इस वारंटी को इसलिए 3 साल का रखा गया है क्योंकि लार्सन एंड टर्बो एक बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है, वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, और इसी के साथ साथ कई अन्य प्रोजेक्ट भी लार्सन एंड टर्बो इंडियन आर्मी के लिए कंप्लीट कर चुकी है और इंडियन गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट लार्सन एंड टर्बो को दिए जा चुके हैं। इसी के मद्देनज़र लार्सन एंड टर्बो को ये प्रोजेक्ट सौंपा गया है। अब आपको लार्सन एंड टर्बो के बारे में भी बताएं तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विस भी देती है। इसका टोटल रिवेन्यू जो है $21 बिलियन है एज ऑफ 2019 और ये
30 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट करती है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया को मिला के 30 से ज़्यादा देशों में इसकी ब्रांचेज हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर इस प्रोजेक्ट से लेकर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए